कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करता है और ये मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको, अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है, उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा HPCL को और हड़को को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी CSR निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकारें हैं, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे आशीर्वचन का स्वागत करें। जय श्री राम। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, विशेष रूप से मैं बुलाता हूं अपने शरद जैन जी को जो कि सबका आभार प्रकट करेंगे। मंचासीन सभी महानुभावों को सादर अभिवादन, सभा में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम आज सफल रहा। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूँ। आपका परम